तो है फ्रेंड, आज हम बात करेंगे रसायन शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं और वह उसका परिभाषा क्या क्या होगा, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और लगातार ही हम रसायन शास्त्र जो है 12th क्लास का, इसका वीडियो हम डालते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ देखते रहिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले और लाइक कर दे और शेयर करें। तो चलिए हम बात करेंगे रसायन शास्त्र के कितने भाग होते हैं। तो आप देख सकते हैं रसायन शास्त्र के 6 भाग होते हैं। तो रसायन शास्त्र के 6 भाग होते हैं। फर्स्ट नंबर में है कार्बनिक रसायन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड नंबर में है अकार्बनिक रसायन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड नंबर में है भौतिक रसायन और फिजिकल केमिस्ट्री। और फोर्थ नंबर में है कृषि रसायन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। फाइव नंबर में है जीव रसायन, यानी जिसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और छठे नंबर यानी 6th नंबर में है औषधि रसायन, जिसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम यह सब इसका परिभाषा जैसे है, उसके बाद इसका जो हम कार्बन रसायन का परिभाषा है, कार्बनिक रसायन का परिभाषा है रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन से बने यौगिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे CH2, C2H2, C2H2, और उसके बाद CH4, CH3OH, etc. तो फाइनली हम यहाँ पे जान गए हैं जो कार्बनिक रसायन क्या है, उसका परिभाषा हम जान गए हैं। और फिर चलिए अब सेकेंड नंबर में जो है, सेकेंड नंबर का जो है यह फर्स्ट नंबर का हो गया, और सेकेंड नंबर का अकार्बनिक रसायन, इसका परिभाषा और इसका क्या क्या यह जानेंगे, जो मतलब इसका परिभाषा क्या होता है, अकार्बनिक रसायन का परिभाषा क्या होता है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद फिर हम लिखेंगे इसका अकार्बनिक रसायन का परिभाषा। तो हमने बोर्ड को यहाँ पे मिटा दिया है, अब जो है लिखेंगे अकार्बनिक रसायन का परिभाषा। अकार्बनिक रसायन, तो हमने यहाँ पे अकार्बनिक रसायन का परिभाषा लिख दिया है। इसका परिभाषा होता है रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्व एवं उनसे बने यौगिकों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। जैसे H2O, NaCl, NaHCO3, etc. यह सब अकार्बनिक रसायन है। तो चलिए हम आगे, और इसका परिभाषा 4 ठो बच गया है, यानी केमिस्ट्री का जो 6 परिभाषा, 6 ठो केमिस्ट्री का जो 6 भाग होता है, वह 6 भाग में से दो दो भाग हो गया है। अब तीसरा है, तीसरे नंबर में है भौतिक रसायन और चौथे नंबर में कृषि रसायन। यह सब अब आगे हम जानेंगे, तो देखते रहिए लास्ट तक, और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम यहाँ पे फाइनली लिख दिए हैं भौतिक रसायन का परिभाषा और कृषि रसायन का परिभाषा। तो हम जानेंगे भौतिक रसायन का परिभाषा क्या है। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियम सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, वह भौतिक रसायन कहलाता है। एक बार हम फिर से दोहराएंगे इसे, जो रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियम सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, वह भौतिक रसायन कहलाता है। और फोर्थ नंबर में है कृषि रसायन, इसका भी परिभाषा जान लीजिए। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य मिट्टी और मिट्टी की बनावट, उर्वरता, पौधों के संरक्षण तथा पोषण का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, तो वह कृषि रसायन कहलाता है। तो हम 1, 4 नंबर तक लिखा दिए हैं, और 5वां और 6ठा नंबर का बच गया है, तो उसे भी हम अभी लिखा देते हैं। जीव रसायन का और औषधि रसायन का परिभाषा लिख दिए हैं,
जीव रसायन का परिभाषा होता है रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थ तथा शरीर के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है जिसे जीव रसायन कहते हैं। तो यहाँ पे हाँ एक बार फिर से हम पुनः रिपीट करते हैं, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थ तथा शरीर के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है जिसे जीव रसायन कहते हैं। और जीव रसायन हो गया, और 6 नंबर में है औषधि रसायन, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ के निर्माण निर्माण पहचान तथा उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है औषधि रसायन कहता है। एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं, औषधि रसायन का, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ के निर्माण पहचान तथा उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है औषधि रसायन कहलाता है। जो इसे नोट करते हैं वो कृपया नोट कर ले, और इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 12th का केमिस्ट्री का यह स्टार्टिंग है, इसीलिए परिभाषा हो रहा है, मतलब परिभाषा सब लिखा रहे हैं, स्टार्टिंग चैप्टर इसीलिए परिभाषा लिखा रहे हैं। इसके बाद फिर हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोग बने रहिएगा अगले वीडियो में, नेक्स्ट बताएंगे हाइड्रोकार्बन क्या है और हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न क्या है, कार्बनिक यौगिक और कार्बन की संयुक्तता के कितना होता है, यह सब बताएंगे। तो देखते रहिए अगला नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो देखने के लिए अगर जो जिसका वीडियो छूट गया है, मतलब इससे पहले वाला वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको वह वीडियो मिल जाएगा। और जो लाइक नहीं किए वो कृपया लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।